साइज आपका सब स्टेज वाले हाई बेस्ट है, देख रहे सौ रुपए का कौन सा ले लो, 550 से 650 अलग अलग रहती है, इसमें देख लीजिए 550 का पूरे सेट का, 650 का। आइए दीदी अब हमारे से देख लीजिए 50 रुपए में झुमके कहाँ मिलते हैं। हे गाइस, मैं हूँ दिलवालों के शहर यानी कि दिल्ली में और खड़ी हूँ हार्ट ऑफ दिल्ली यानी कि कनॉट प्लेस में, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ की मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर मार्केट जो कि है जनपथ मार्केट। वैसे तो सीपी अपने आप में बहुत खास है, लेकिन यहाँ की ये जो जनपथ मार्केट है और जनपथ लेन है वो इसको और खास बना देती है। तो हम यहाँ मार्केट में आ चुके हैं और राजीव चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मार्केट लगती है, और यहाँ पर इस समय काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सारा कलेक्शन है, और यहाँ पर हमेशा आपको यूनिक कलेक्शन मिलेगा क्योंकि इस समय विंटर जो है ख़त्म होने वाली है दिल्ली में, तो इस समय काफ़ी सारा आपको विंटर कलेक्शन मिल जाएगा यानी कि ओवरकोट्स, जैकेट, स्वेटर्स और जितना भी विंटर वेयर से रिलेटेड सब चीज़ें होती है सब आसानी से सेल रेट पर मिल जाएगा। तो ये जो ओवरकोट्स टंग रहे हैं ये सब 300, 400, 500 और 600 तक की रेंज के हैं, अच्छी बार्गनिंग करेंगे तो अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे। सो जब आप जनपद मार्केट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको जीन्स की 2-3-5 शॉप मिल जाती हैं, और इन्हीं में मुझे एक जीन्स बहुत पसंद आई थी तो मैं उसी में अंदर चली गई। तो यहाँ पर ये जीन्स का आप कलेक्शन देख सकते हैं, जो जीन्स के रेट होते हैं वो 600, 700, 800 बताते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी बार्गनिंग करने वाले हैं तो आपको आसानी से 300, 350 रुपये में जीन्स मिल जाएगी। ये एकदम ओवरऑल स्ट्रेट है, ये सब हाई बोलिए मेरा फोन करें, ये देखिए कलर में से कलर है, ये देखिए साइज आपका सब स्टेज वाले हाई बेस्ट है, देख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था, पजामे ले जाइए बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए। सामने हैं जैकेट्स और आप देख सकते हैं ये फर वाली जैकेट हैं जो कि ना बहुत स्मार्ट लगती हैं पहनने के बाद और बहुत सॉफ्ट भी होती हैं। तो ये जैकेट्स का रेट जो ये बता रहे थे 200-250 के आसपास बताया है इन्होंने। बाकी हम आगे और चलते हैं, अगेन सामने काफ़ी सारे ओवरकोट्स थे जो कि 300 इन्होंने बताया। यहाँ पर ये पूरा कलेक्शन जो है ये 100 रुपीज़ का है, जिसमें से मुझे एक जो स्वेटर था वो मुझे बहुत पसंद आया 100 रुपीज़ का, ये जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। अब 100 रुपये में तो और बार्गनिंग करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस पीस को ले लिया। बाकी इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था स्वेटर्स का, काफ़ी यूनिक यू नो वैरायटी लग रही थी, और बहुत अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं ये सब, क्योंकि मैं यहाँ से पिछले काफ़ी सालों से शॉपिंग करती आ रही हूँ तो मुझे मालूम है। यानी मुझे एक ब्लैक कलर का ये स्वेटर दिखाया जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी यूनिक सा लग रहा था, और भी काफ़ी सारा कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छा अच्छा था। एक और मुझे नीचे एक स्वेटर इन्होंने दिखाया येलो कलर का जो कि मुझे अगेन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शाइन कर रहा था, तो बहुत अच्छा था 100 रुपीज़ में, तो बहुत अच्छा प्राइस था इसका। ये नाइट सूट कितने के है? ये साइज फुल रहेगा ना, सो ये सब 600 के, 550 ये वाला सिक्स, ये 550 के हैं, और ये सब यहाँ पर 650 के।
तो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। आप एक खोल के दिखाएंगे भैया? तो ये जो नाइट सूट्स थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के थे, और साथ में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठंड भी है, तो आप ये पूरा ना यू नो पूरा दिन आप इन्हें पहन सकते हैं। लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद आया था, ये जो रस्ट कलर का मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, और ओवरऑल ये रस्ट कलर में था तो ये मुझे यू नो कलर वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा था, मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट था। लेकिन इन्होंने रेट जो बताया था वो 550 का बताया था, और मैं काफ़ी बार्गनिंग करने की कोशिश कर रही थी, बट ये नहीं हो रहे, मतलब ये कम ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन मुझे पसंद बहुत आया था। तो काफी बार्गेन के बाद मुझे ये पीस 450 में मिल ही गया। तो यहाँ है ये सिल्वर ज्वेलरी की शॉप, और काफी सारे एंटीक कलेक्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए पूछ लेते हैं इनसे कि ये जो रेट्स हैं इसके कितने हैं। तो ये 50 रुपीज़ के हैं, और बहुत ही प्रिटी इयररिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। ये खोल के दिखाएंगे सर? ये देखिए 50 रुपये में जो सेट भी हैं यहाँ पर, जो कि बहुत प्रिटी लग रहे हैं। ये यार चोकर कितने के हैं? 200 के। तो ये सब जो चोकर सेट हैं ये सब 200 के। लॉन्ग चेन में ये लॉन्ग चेन में। तो आप यहाँ से इस तरह के फुल ओवरकोट ले सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके की ये जैकेट्स हैं, यहाँ पर आप ये चिकन की सब कुर्तीज हैं, यहाँ पर ये सब डेनिम की जैकेट्स, ओवरकोट्स, यहाँ आगे सारे ओवरकोट्स आपको दिख जाएंगे, क्योंकि अभी सीजन जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा बेल्ट का कलेक्शन, सूट, कुर्तीज, और यहाँ पर पूरा चप्पल का सेक्शन है। तो यहाँ मैंने साइड चेंज करके मैं दूसरी साइड आ गई लेन में, क्योंकि वहाँ पर सारे ओवरकोट्स थे, वहाँ पर जीन्स ओवरकोट और नाइट सूट थे, कुर्तीज थी। इस तरफ मैं आई तो इस तरफ ये सारे टॉप्स हैं, और जो वेस्टर्न वेयर भी काफ़ी सारा अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, कॉलेज वेयर मिल जाता है, ऑफिस वेयर मिल जाता है, और जो रेट्स थे वो सब 200, 300, 400 के आसपास थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी ज्वेलरी है, और सामने से ही दिख रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो सबसे पहले मेरा ज्वेलरी देखने का मन किया। सारी देखिए सिल्वर ज्वेलरी, आपको डिफरेंट और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन दिख जाएंगे यहाँ पर। ज्वेलरी के जो रेट्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं, मतलब डिपेंड करता है कैसी ज्वेलरी आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप काफ़ी सारे, और देखिए कितने बड़े बड़े इयररिंग्स आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर ये क्रॉप टॉप आप देख सकते हैं, लाइनिंग में, वी नेक में, काफ़ी अच्छा लग रहा था, यूनिक लग रहा था। ऊपर एक वन पीस ड्रेस थी, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। काफ़ी सारे ट्यूनिक्स थे इनके पास, और ये जो सब रेंज है वो सब वही जाती है 300, 400, 500, बस डिपेंड करता है कि आप बार्गेनिंग कितना अच्छा कर लेते हैं। खड़े हैं होम डेकोर शॉप पे, ये है इनके पास रहता है काफ़ी सारा एंटीक कलेक्शन, तो अगर आप अपने घर के को डेकोरेट करने के लिए कुछ एंटीक, कुछ यूनिक ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी रेट्स इनके हाई होते हैं, लेकिन आप बार्गेन कर सकते हैं। यहाँ पर इस शॉप पे रेड कलर का स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत अच्छे रेंज में बताया था इन्होंने 300। यहाँ पर हम आ गए हैं बेल्ट के कलेक्शन पे, तो काफ़ी सारी यूनिक बेल्ट आप देख सकते हैं, गोल्डन बेल्ट्स आप ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि आजकल सूट्स कुर्तीज़ पे भी गोल्डन बेल्ट चलती है, उन पर भी पहनी जाती है, साड़ीज़ पर भी बेल्ट लगाई जाती है। और बेल्ट की जो रेंज है वो 300-400 थी, यहाँ पर आप बार्गेन करके 50 रुपये की बेल्ट भी खरीद सकते हैं। सो ये हो गई ओवरऑल जनपद मिनी मार्केट, और इस मार्केट का एंड होता है इन फ्लावर वाले भैया की शॉप से, क्योंकि ये जो शॉप है ये सालों से यहीं लगा रहे हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जनपद में घूमने के लिए, जनपद लेन जो है वहाँ पर आपको काफ़ी सारा एंटीक कलेक्शन मिल जाएगा फॉर होम डेकोर।
तो कैसा लगा जनपद एक्सप्लोर करना? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ दिल्ली में, मुंबई में, तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज, बाय।